एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय मसाला में। गाइस देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा, बहुत अमेजिंग स्टाइल से। ना कद्दूकस करने का झंझट है इसको। ग्लास दूध में सिर्फ बनाएंगे, ठीक है, एक ग्लास दूध में हम बनाएंगे ये बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लौकी का हलवा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमने देखिए आधा के जी लौकी ले ली है, जिसको ऐसे क्यूब्स में हमने कट कर लिया है। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं। ये देखिए गाइस, अब इस लौकी को हम इसमें अपने कुकर में ट्रांसफर करेंगे। ये देखिएगा, ये देखिए गाइस, एक ग्लास पानी है, इसका हम आधा ऐड करेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करें, क्योंकि लौकी में खुद पानी होता है। इसको 2 से 3 सीटी लगा के हम बॉयल करेंगे। देखिए गाइस, हमारी बॉयल हो चुकी है लौकी, तो इसको उसका पानी हम बिल्कुल निकाल देंगे। ये देखिए गाइस, नीचे थाली लगा दी, ऊपर से कटोरी ये रख दी, या पलट के ऐसे कटोरी रख दीजिए। और इसमें अब हम अपना लौकी पलट देंगे, जिससे कि पानी सारा निकल जाए, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए गाइस, हमारी ये अच्छे से ठंडी भी हो गई है, तो छू सकते हैं इसको हम। तो अब हम ऐसे करके इसको स्क्वीज करेंगे, और उसका पानी बिल्कुल है बिल्कुल निचोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो ये हम सारा करते हैं इसी तरह से, हाथ में लेते हैं दोनों में, और ऐसे करके ये देखिए पानी इस तरह से है, तो इसको हम ऐसे करते हुए निचोड़ देंगे। देखिए गाइस, इसलिए हमने इस थाली में पानी निचोड़ा था, क्योंकि लौकी जो है जो डाइट फॉलो करते हैं, तो उनको ना लौकी का जो जूस होता है उसको बना के पीना चाहिए, कच्ची लौकी का या बॉयल लौकी का। तो ये देखिए इस तरह से हमने छान लिया एक चलनी से, ठीक है। ये देखिए, अब इस पानी को हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, और इसमें नमक या चीनी डाल के इसको हम पी लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैट कटर है, हमारी फैट को भी बहुत अच्छे से काटता है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो इसको रखते फ्रिज में। ये देखिए गाइस, हमने हाफ टेबल स्पून घी ले रखा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको हम पूरी अपनी कढ़ाई में लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा पिघलाते हैं, फिर दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, घी हमारा मेल्ट हो चुका है, लग भी चुका है पूरी तरह से कढ़ाई में। घी लगाने से ना ऐसा होगा कि जो लौकी है भूनते समय चिपकेगी नहीं कढ़ाई में, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए रखिए, ये जो इसके ये दिख रहे हैं जंग्स, ये सब भूनते समय ये सब टूट जाएंगे। तो देखिएगा, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि कद्दूकस करने में काफी टाइम जाता है, ठीक है, और इससे भी वही टेस्ट आएगा। बस अब हमें लौकी को अच्छे से भूनना है, कि इसमें जिसका पानी का मॉइस्चर है वो सारा का सारा खत्म हो जाए, ठीक है। देखिएगा, हमारा नीचे अच्छी पकने लगा है, तो इसका मतलब है कि हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध, ये देखिए एक कटोरी दूध है मलाई वाला, ठीक है, इसको ऐड करेंगे और इसको चलाते हुए गाढ़ा करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए गाइस, वो मलाई वाला दूध हमने ऐड किया था, और एक ये जो हम फ्रिज में स्टोर करते हैं ना मलाई, उसी की एक स्पून भर के हमने इसमें मलाई ऐड कर दी। इस मलाई जो हमने मलाई ऐड करी है ना, उसी से हमारा क्रीमी टेक्सचर आएगा बहुत अच्छा सा, और इसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। और देखिए बिल्कुल आधे ग्लास दूध में ही हम लौकी का हलवा बनाकर रेडी करेंगे। देखिएगा इतना सुंदर, इतना टेस्टी लगेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं पास से, बिल्कुल भी दूध फटा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से है। तो इसको और पकाएंगे थोड़ा। ये देखिएगा, इस समय पर ये सूख चुका है, और इसने लगभग घी भी देखिए इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मलाई डाली थी ना, मलाई में इतना घी खूब होता है कि जितना घी हमारे हलवे को चाहिए। तो ये देखिए, चीनी हाफ कटोरी है, ये हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे पिघलाएंगे, ठीक है, और फिर इसको इतना पकाएंगे कि ये हलवा के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, सूखा करेंगे मतलब। ये देखिए, अभी मलाई की वजह से व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, चीनी पड़ते ही इसका कलर चेंज होने लगा है, तो आप देख सकते हैं। ये एक चीज और गाइस दिखाएंगे हम आपको, ये देखिए चीनी डालने के बाद भी आप देख सकते हैं कि दूध
बिल्कुल भी नहीं फटा है, ना हमारे हलवे में कोई फटने का निशान आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पकाते हैं इसको अच्छे से। ये देखिए गाइस, हमारा हलवा लगभग बन चुका है। थोड़ा सा गीला लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसमें ये नारियल डालेंगे अपना ग्रेट किया हुआ। आप और ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। एक बात और गाइज, अगर आप नॉर्मली बनाना चाह रहे हैं इसको खाने के लिए, तो आप इसमें दूध पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने नहीं ऐड किया है क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा 5 मिनट और भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी इसमें नारियल डाला है ना, इस वजह से। ये देखिए गाइज, कुछ हमारे इलायची के दाने हैं जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इनमें मीठे में इलायची के दाने अच्छे लगते हैं। और ये देखिए इधर कितना सारा घी दिख रहा है, तो उसका मतलब अब हमारा बन चुका है। ये देखिए एक और इंडिकेशन अच्छा सा है, देखिए पैन ने छोड़ दिया है बिल्कुल हलवा, हलवा ने पैन छोड़ दिया। और ये देखिए कुछ हल्का सा, ये देखिए रेड रेड आ रहा है, तो उसका मतलब हमारा हलवा बन चुका है। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, इसको हम आप सर्व करेंगे इस बाउल में अपने इस तरह से। और इतना इतना टेस्टी है कि आपको हम बता नहीं सकते कि कितना टेस्टी है ये हलवा हमारा। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो कि हमने नहीं ऐड किया वो ज्यादा ड्राई फ्रूट। गाइस देखिए, ये हमने सर्व कर दिया है हलवा। ठीक है, आप गाइस जैसा कि लास्ट में हम हमेशा टिप देते हैं, तो वैसे उसी की टिप देंगे कि पहली बात तो जब हम लो काटते छीलते और काटते हैं तो उसको जरा सा चख के देख लें, जिससे कि काफी लौकियां ऐसी होती हैं कभी कभी कड़ुई निकल जाती हैं, तो देख लें कि कड़ुई तो नहीं है, मीठी है। और बढ़िया मोटी लौकी लें। और एक बात गाइस, कि जैसा कि बताया कि दूध कईयों का ऐसा होता है ना कि दूध फट जाता है जब हलवे में डालते हैं, तो आप लोग जरा सा इतना करें कि लौकी को भून लें अच्छे से, और दूध भी जब लौकी में डालें तो वो वार्म होना चाहिए, यानी खौला हुआ होना चाहिए, बॉयल होना चाहिए दूध अच्छे से। बॉयल दूध डालें, बिल्कुल नहीं फटेगा। चीनी बाद में ऐड करें, जब हमारा दूध बिल्कुल सूख जाए हलवा बनाते समय बाद में चीनी ऐड करें। ठीक है, और गाइस लास्ट में यही है कि जब हमारा हलवा पैन छोड़ने लगे, उसके नीचे रेड रेड दिखने लगे थोड़ा सा भुना टाइप का, तो समझ लीजिए कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और कुछ नहीं है, और आप ये रेसिपीज बनाएं अपने घर। ठीक है, और बनाने के बाद अपने कमेंट जरूर हमको भेजें, और आगे बताएं, ये भी बताएं कि आप लोगों के लिए कौन सी रेसिपी लाएं जो कि कम बजट में और अच्छी इजी रेसिपी हो। तो टिप्स ये देखिए गाइस, मतलब रेडी है हलवा, नवरात स्पेशल हलवा। और कितना प्यारा, कितना टेस्टी, और बहुत इजी ढंग से, बहुत ज्यादा कद्दूकस करने का झंझट नहीं, ना दूध ना मिल्क पाउडर, कोई चीज इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया हुआ है बजट में। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।